इज आकाशिक? आकाशिक इज योर ओन फील्ड, वो आपके खुद का फील्ड है। जैसे आप अपने घर पे बैठे हो, वैसे आकाशिक आप ही का घर है, आपके सोल का घर है। क्या होता है, जब हम ये जन्म लेना है करके सोचते हैं, तो हम एक हायर सोल जो बोलते हैं, परमात्मा जिनको बोलते हैं, वहां से एक कण नीचे आता है हमारा। जब वो नीचे आता है तो वो ऐसा आता है कि मैं इस, ये जो मेरा जन्म है इस पे मैं ये पाथ, ये मेरा सोल पाथ है। क्या पाथ है? कुछ नहीं, ये लेसन मैं लर्न करूंगा। क्या? रिलेशनशिप का, फॉर एग्जाम्पल। रिलेशनशिप का क्या लेसन लर्न कर सकते हो? जैसे पिछले जन्म में आपने बहुत प्रॉब्लम फेस किए रिलेशनशिप में, आप एक हस्बैंड के साथ नहीं रहे हो, हमेशा स्ट्रगल में रहे हो, या आपका हस्बैंड आपको मारता है, या ऐसा कुछ हुआ होगा पिछले बहुत सारे जन्म में, तो इस जन्म में आप वही लेसन फिर से लर्न करने आ रहे हो उसी बंदे के साथ, क्योंकि वो कर्मा तभी वही रह गया। सो यू आर जस्ट चूजिंग वन लेसन फ्रॉम योर एंटायर लाइब्रेरी। आपका लाइब्रेरी कैसा है? सपोजिंग प्रवीण जी ने 2000 बार जन्म लिया। आई रियली डोंट नो, ठीक है, नोबडी नोज कि सोल का जन्म कितना है। 2000 बार जन्म लिया, तो वो 2000 बार का जो बुक है इनका, पूरा लाइफ टाइम का, वो आकाशिक में रहेगा। दैट इज योर लाइब्रेरी, राइट? तो जो हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रवीण जी आ रहे हैं मेरे पास, मैम मेरे को ना मेरे पत्नी से बहुत प्रॉब्लम है, मैं नहीं रह पा रहा हूं उनसे, इनफैक्ट ये मेरी सेकेंड मैरिज है, राइट? पर फिर भी मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं सोसाइटी क्या बोले, ऐसा मेरे पास केस आया हुआ। वैसे गया है मैंने एस्ट्रोलॉजर, और कुंडलियां ऐसी आती है कि मेरे पास वैसी 2 बारी शादी हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं तीसरा भी जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा वाला। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन बार बार चेंज करना, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में ये लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है ना। सो इट्स वेरी टफ डिसीजन, क्योंकि जिसके साथ हो रहा है ना उसको पता होता है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। बाहर बैठ के हम लोग कुछ भी कमेंट मार सकते हैं, सोसाइटी कुछ भी कमेंट मारेगी, बट देन जो झेल रहे हैं उनको पता होगा। तो हम क्या करेंगे एज आकाशिक रीडर, हम उनका सोल बुक ढूंढेंगे उनके सोल लाइब्रेरी में, क्योंकि वो बुक तो उन्हीं के पास है ना। प्रवीण जी को पता है ना, मेरे को पता है, क्योंकि वो तो जब जन्म ले लिया उनका सारा इरेज हो जाता है, वही माया है ना। माया में जब एनवेलप होते हो तो पुरानी चीजें इरेज हो जाती है। सो वी विल गो बैक टू द आकाशिक फील्ड ऑफ प्रवीण जी, और हम पूछेंगे कि इनका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम ऐसा क्यों है। तो जिस रूट कॉज से ये शुरू हुआ है ना, जिस जन्म से ये शुरू हुआ है, उस जन्म का बुक आपके पास आएगा, अपने आप आएगा, उसका प्रोसीजर हम पूरा क्लास में करेंगे, ठीक है? वैसा आएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आपका, रिलेशनशिप हो या आपको डर हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो। बहुत लोगों को पानी से डर लगता है, क्यों? उनको खुद को नहीं पता होगा। तब हम पास्ट में जाके ढूंढेंगे, अरे इनको क्या हो गया। फिर आपको उस बुक में मिलेगा कि अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ किया है, तब जाके ये हुआ। सो दिस इज योर ओन लाइब्रेरी, आपके खुद का लाइब्रेरी है। जो हम बोलते हैं ना चित्रगुप्त बैठा है भाई, सब लिख रहा होगा, वो आपकी खुद की सोल ही लिखती है, क्योंकि आपका जो सोल ऊपर जो बड़ा कण है वही आपको एक टास्क दिया है कि भाई आप नीचे जाओ और आप ये करके आओ, और अगर आपने वो पाथ नहीं फॉलो किया तो प्रॉब्लम्स आती है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को, जैसे मैं एक जगह रह रही हूँ वैशाली टू, मेरे को अगर यहाँ से कैनॉट प्लेस तक जाना है, ठीक है, मेरे को सीधा ही जाना है, गूगल मैप सीधा ही दिखा रहा है, वैशाली इज मी, कैनॉट प्लेस इज माई हायर सोल। वो बोल रहा है तुम सीधा आओगे तो तुम मेरे पास पहुंचोगे, मोक्ष द्वार में पहुंचोगे,
पर मैं उसको छोड़ के मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया तो मेरा मोक्ष का द्वार तो बहुत ही दूर हो गया ना, मैं कहाँ पहुंचूंगी, मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। तो तब वो हायर सोल हमें याद दिलाता है, अरे इधर आ तू। वो कैसे याद दिलाएगा? आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन आएगा, आपको प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, फिर आप सल्यूशन की तरफ ढूंढोगे। बहुत लोग सल्यूशंस नहीं ढूंढते हैं क्योंकि उन बेचारों को इंट्यूशन भी नहीं आता है। बट वी आर ब्लेस्ड, एटलीस्ट वी हैव मेनी मेनी लर्निंग्स। Thank you.